सध्या चेन्नईमध्ये एक प्रशिक्षण सुरू आहे. अफगाणिस्तानातल्या महिला ह्या प्रशिक्षणासाठी आल्यात. काय आहे उद्देश पाहूयात. अफगाण लष्करातल्या महिलांचं चेन्नईतलं हे प्रशिक्षण. दहशतवाद्यांसाठी हा एक प्रकारे इशाराच. दहशतवादाविरोधातली भारत अफगाणिस्तानची ही नवी पार्टनरशिप. या प्रशिक्षणादरम्यान अफगाणी महिलांनी भारतीय लष्कराकडून धडे घेतले. अफगाणिस्तान आर्मीच्या 20 महिला या प्रशिक्षणात सहभागी झाल्या होत्या. दुनियाभर की फौजों का और आतंकवादी गुटों का पसंदीदा हथियार. अभी अफगान कैडेट्स ने इसको फायर किया. चाहे तालिबान हो, नॉर्दर्न अलायंस, चाहे अफगानिस्तान का कोई भी आतंकवादी गुट या आईएसआईएस, सभी का प्राइमरी हथियार यही है. जय साहब, श्रीमान 17 अफगान कैडेट, 300 अमुनिशन, 4 इंस्ट्रक्टर, 6 AK-47, फायरिंग करा दे श्रीमान. जय साहब. अफगाणिस्तान आर्मीतल्या या प्रत्येक महिलेची वेगळी गोष्ट आहे. काही जणींनी दहशतवादामुळे प्रियजनांना गमावलंय, तर काही जणींनी दहशतवाद्यांच्या गोळ्या प्रत्यक्ष झेलल्यात. आता त्यांचं ध्येय एकच, दहशतवाद संपवायचा आहे. जैसे कि आप जानते हैं कि ये ऑलरेडी ऑफिसर्स हैं, तो ये लोग 6 मंथ्स की ट्रेनिंग लेके आए हैं यहाँ पे. हमारा बेसिक एम ये है कि हम सिर्फ एनहांस करें ट्रेनिंग को. हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल ट्रेनिंग से, उसके बाद ड्रिल भी कराते हैं, क्योंकि आप जानते हो इंडियन आर्मी OTA ड्रिल के लिए बहुत फेमस है. तो हम इन्श्योर करते हैं कि इनको ड्रिल, स्वॉट ड्रिल वगैरह सिखाया जाए. 21 दिवसांच्या या प्रशिक्षण कार्यक्रमात अफगाण आर्मीच्या महिलांना शस्त्रास्त्र चालवण्याबरोबरच लष्करात वापरलं जाणारं अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि संपर्क यंत्रणांसंदर्भातही प्रशिक्षण दिलं गेलं. ये लोग डिफरेंट स्ट्रीम से हैं, कुछ एयर फोर्स से हैं, कुछ स्पेशल फोर्सेस से हैं, कुछ एडम एंड लॉजिस्टिक्स से हैं. तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम से आ रहे हैं. कोशिश पूरी है कि इनको पूरा एक्सपोजर दिया जाए. सिंस पहली बार आया है ऐसा कोई ग्रुप, ऐसे कोई लेडी ऑफिसर्स इंडिया में, तो डिपेंड करता है कि फीडबैक कैसे जाता है. अगर फीडबैक बहुत अच्छा जाता है तो क्या पता ट्रेनिंग थोड़ी और बढ़ाई जाएगी इनकी. अशा प्रकारे पहिल्यांदाच भारतीय आर्मीनं अफगाण आर्मीच्या महिलांना प्रशिक्षण दिलं. मैंने इतनी मेरी उम्र, मैंने बोला आर्मी में जाऊंगा. मैंने अपनी क्लास को खत्म किया ग्रेजुएट स्कूल पे, फिर मैंने ये काम चुना है. मैं आर्मी पे जाऊंगा, अपनी पीपल, कंट्री और औरतों के लिए काम करूंगा, और इसलिए मैं आर्मी पे आई हूँ. लेकिन मेरे बाप ने मुझे रोका भी नहीं और सपोर्ट भी नहीं किया, और मैं खुद ही की मर्जी से आया हूँ और खुद ही की मर्जी से काम कर रहा हूँ. औरतों की प्रॉब्लम कौन फिनिश करेगा, इसलिए मैं आर्मी पे आया. इस लोगों की औरतों जो आर्मी पे आती है उसकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है. लेफ्टनंट हसीना 18 वर्षीच अफगाण आर्मीत रुजू झाली. दहशतवादामुळे अफगाणिस्तानचं भवितव्य धूसर होत चाललेलं तिनं गेल्या काही वर्षात पाहिलंय आणि निश्चय केला आर्मीत रुजू होण्याचा. जो मैं अपनी कंट्री की मुश्किल देखी, उस तरह मेरी जी चाहा कि मैं अपनी कंट्री को हेल्प करूं और औरतों को बचाऊं. इस तरह की जो जुल्म लेती है लोग, यहाँ पर हम लोग जो ट्रेनिंग लिया है ये हम के लिए बहुत बड़ा है. और भी हमें हिंदुस्तान सपोर्ट करे और थोड़ा ज्यादा हो जाए, यहाँ पर आके ट्रेनिंग अच्छी तरह कर और अपनी कंट्री पर हेल्प कर सके. I feel very good and I think the Afghan women is all of brave and can fighting with men and especially with Taliban. अफगाणिस्तान आणि भारत एकमेकांचे मित्र आहेत. येत्या काळात ही दोस्ती लष्करी दृष्ट्या आणखी मजबूत होणार आहे, याचाच हा इशारा आहे.
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई।